अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ सेमियों में कड़क चिकन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चलो हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, 1 किलो में चिकन ले ली बोनलेस, उसे मैं अच्छे से धोकर रख ली। 1 चम्मच बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाली मैं, 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, फिर भी आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए। नमक डालूँगी मैं, 2 चम्मच डाली। अब मैं मिर्ची डालूँगी 1 चम्मच, फिर भी आपके टेस्ट के हिसाब से डालना चाहिए मिर्ची और नमक को। हल्दी डालूँगी 1 चम्मच छोटे चम्मच से। बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये चिकन। ज़ीरा पाउडर डालूँगी 1 चम्मच। गरम मसाला 1 चम्मच डालूँगी। अब देखिए, मैं काली मिर्च पाउडर पीसी भी डाल रही हूँ। की लाल मिर्च रहती है ना, वो मैं उसे पीस कर डाली। सोया सॉस डाल रही हूँ 1 चम्मच। चिल्ली सॉस डाल रही हूँ 1 चम्मच। और टमाटर सॉस डालूँगी 2 चम्मच में। एक अंडा डाल लूँगी। देखिए, अब हाथ से मैं अच्छे से मिलाऊँगी, क्योंकि चमचे से मिलाने में नहीं आता, इसलिए हाथ से पूरा अच्छे से मिक्स करूँगी मैं इसे। देखिए, आप नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, मेरे को बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, आगे जाने का मौका दीजिए मुझे। देखिए, मैं इसे अच्छे से कर लूँगी। आज 11वां रोज़ा है, मैं जल्द से जल्द बनाना बता रही हूँ मैं आपको। कॉर्नफ्लेवर डाल रही हूँ मैं, ये 1 चम्मच भर के बड़े चम्मच से मैं। क्योंकि रमज़ान में टाइम जल्दी जल्दी जाता है ना, इसलिए जल्दी बता रही हूँ मैं आपको, इसलिए मेरे को भी टाइम हो रहा है ना, जल्दी जल्दी बना रही हूँ मैं भी। देखिए, मैं इसे रख डालूँगी आधे घंटे के लिए मैरिनेट के लिए। देखिए, ये सेमी कहीं पर भी मिल जाती है, ये देखिए लाल सेमी बोलते हैं इसे। इसे अच्छे से हाथ से मैं बुरा बुरा कर लूँगी मैं। देखिए, आधे घंटे के बाद मैं इसे निकाली, पैन रख ली थी मैं गरम पे, फिर मैं इसे ऐसा हाथ से, सीधा हाथ कच्चा है ना, इस वजह से मैं बाएं हाथ से ही थोड़ा सा उसे मिला लूँगी मैं सेमी को अच्छे से। देखिए, ऐसा KFC कैसा बनती है, वैसी बनती है ये भी, बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये चिकन। देखिए, मैं एक प्लेट में रख लूँगी, ऐसे पूरे बनाकर प्लेट में रख लूँगी। देखिए, माशाल्लाह कितने अच्छे से लग रहे हैं ना। तेल गरम हो गया है, फुल फ्लेम पर रखी थी, अब मैं मीडियम पर रखी मैं, अब तल लूँगी एक एक करके। देखिए, माशाल्लाह इफ्तार में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं रोज़ा खोलते टाइम पर। देखिए, अलग पलट करेंगे थोड़ा सा इसे हम। आप नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छे बनते हैं ये, बहुत आसान बनते हैं, जल्द से जल्द बन जाती है रेसिपी ये, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जो भी घर की चीज़ें हैं वही लगते हैं इसमें। देखिए, बनकर तैयार हो चुकी है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। ऐसी दूसरे भी बना लूँगी मैं। अब देखिए, बनकर तैयार हो चुकी है अपनी रेसिपी। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे से लग रहे हैं। देखिए, पुदीना रखी मैं, प्याज कट करके रखी मैं इसे, अब मैं रोज़े के बाद खाऊँगी। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह।